हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज मालती चौहान का वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि आप सबको पता है कि वो अभी इस दुनिया में नहीं रही हैं। तो वही छोटा सा वीडियो है, उनका अंतिम संस्कार हो गया है और क्या हुआ कैसे हुआ हमें खुद भी नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है। अभी इसकी जांच पड़ताल तो पुलिस प्रशासन ही कर सकती है और वही पता लगाएंगी इन सब की सजा। छोटा घटना का जो है असली मास्टरमाइंड जो है गोरखपुरिया बोलती है। अभी हमारे साथ है, इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा ये बताइए, ये जो घटना हुआ है मालती का जो मौत हुआ है, इसके बाद जो है बहुत सारे लोग जो है आप पे आरोप लगा रहे हैं कि इस घटना में कहीं ना कहीं गोरखपुरिया भौजी का बहुत बड़ा हाथ है। अब वो आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आरोप लगाएंगे तो उनकी वीडियो वायरल हो जाएगी। हाँ। के लिए ऐसा हो रहा है, सच्चाई भी दब जाएगी। न्यूज़ के लिए हो रहा है, सच्चाई भी दब जाएगी। हमारी आवाज को दबाना चाहते, एक महिला के लिए अगर एक महिला खड़ी है तो उसे उसकी आवाज दबाया जा रहा है, उसकी आवाज को दबाया जा रहा है। और हम यही कहते हैं कि अगर आज मालती चौहान मरी है, काश मेरा कोई साथ दिया रहता तो आज मालती चौहान मरती। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि एक तरफ आप मालती चौहान के घर पे पहुंच रही है, उनसे मिल रही है, मुलाकात कर रही है, और इसके बाद आप लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर रही है, इसे आप चाह रही है कि मालती में जो भी ये विवाद हो रहा है इससे आप पैसा कमाने, ऐसे लोग आरोप लगा रहे हैं। एक चीज बता दें, अगर हम जो कर रहे हैं हम अपने चैनल द्वारा डालेंगे नहीं तो पब्लिक को पता कैसे चलेगा? हमको बताइए, हम फिर ये घर के विवाद को पब्लिक के पास दिखाना ये कहाँ तक सही है? ये हम नहीं लाए, विष्णु राज खुद लाए और मालती हमको खुद बुलाई है। मालती कम से कम मेरे नाम से 20 वीडियो बनाई है कि गोरखपुरिया भौजी मेरा मदद करिए, मुझे बचाइए, मुझे मार देगा, मुझे मेरे साथ ये हो रहा सारा चीज सोशल मीडिया पे पब्लिक है। पब्लिक में वो उसके मालती चौहान के चैनल पर जाके देख लीजिए, 20 वीडियो मेरे नाम से पड़ा हुआ है, जो साथ साथ मेरा नाम लेकर के मेरे से मदद की गुहार लगा रही है। तो इतना तो हम निर्दयी नहीं है कि एक महिला होकर एक महिला का दर्द न समझे और उसका हम मदद। लेकिन इसमें कुछ है, कुछ औरतें, कुछ महिलाएं हैं, बहुत महिलाएं हैं। कौन महिलाएं हैं? बहुत सारी महिलाएं मैंने देखा है, बोल रही है, महिलाएं हैं जो बोल रही है कि गोरखपुरिया भौजी क्या सीएम डीएम है। अरे कोई सीएम डीएम बन के नहीं आता है, कोई महिला मोर्चा का मिल गया, कोई ये पत्रा मिल गया तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको मिल गया तो। अरे आप भी काम कर रही है देश के लिए, हम अपने काम कर रहे हैं, अपने महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि शुरू से ही जो है आप इस विवाद को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर कभी आप कहीं ना कहीं मालती का सपोर्ट करती है, कभी विष्णु का सपोर्ट करती है, तो इस तरीके से घर के विवाद को बाहर लाना क्या जरूरी है? मैंने एक बार विष्णु का सपोर्ट किया था जब मालती चौहान चली गई थी शादी करके, तब उसके बाद मैंने मालती के खिलाफ 2 वीडियो बनाई। मालती अभी आप किसके खिलाफ है, किसका दोषी है? अभी इसमें ये कहा जा रहा है, एक तरफ जो है मालती के जो पिता हैं वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये घटना जो है अर्जुन और विष्णु के द्वारा किया गया है, वहीं विष्णु के परिवार कह रहे हैं कि ये घटना जो है वो खुद से सुसाइड की है। नहीं भैया देखिए, ये जांच का विषय है। पहली बात, आपसे मालती मिली हुई थी कुछ समय पहले मरने से पहले, क्या बोली आपसे मिलके? वो मेरे से मरने से पहले मिली थी तो मेरे घर गई थी वो, जब मैं उसका मदद नहीं कि मेरे घर भी गई थी वो, तब मैं उसका मदद करती हूँ, यहाँ तक मैं इसको कोर्ट ले जाती हूँ, सुलहनामा लिखवाती हूँ, कैंट थाने से उसका समझौता करवाती हूँ, सारा चीज करती हूँ वहाँ से। अब देखिए मेरा थाना गोरखपुर पड़ता है, तो मैं गोरखपुर न जाऊंगी? अब गोरखपुर से यहाँ मैं नहीं आऊंगी, घनघटा नहीं आऊंगी, गोरखपुर तक कबीर नहीं आऊंगी, मेरा थाना जहाँ पड़ता है मैं वही जाऊंगी। मेरा थाना तो कोराबार पड़ता है, मैं वहाँ नहीं लेके जाती हूँ, मैं गोरखपुर लेके जाती हूँ। गोरखपुर कैंट थाना जो होता है बहुत बड़ा, सभी लोग जानते हैं वहाँ सफाई। गोरखपुर थाना एक और सवाल उठा।